अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स। यहाँ आपको जीरो से बेसिक और बेसिक से एडवांस मैथमेटिक्स सिखाई जाती है, जो कि डाटा साइंस और डाटा एनालिसिस जैसी फील्ड्स के लिए बहुत जरूरी है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जी, 4 + 3 iota और सेकंड है जी 2 + 4 iota। जी कहते हैं जी कि इस फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने का मेथड ये है जी, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख लें, मल्टीप्लाई करने के लिए साइन नहीं कोई लगाते, ब्रैकेट्स दोनों लगा देते हैं जी 2 + 4 iota। इन ब्रैकेट्स लगाने का मकसद ये है, हमें ये पता चल जाता है कि ये दोनों जो ब्रैकेट के अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सबसे पहले आपने इसके रियल पार्ट को दोनों सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर की दोनों रियल और इमेजिनरी पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले लिख देंगे जी 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, साइन प्लस का है दोनों के साथ तो प्लस प्लस प्लस, 4 × 2 = 8 आ गया। फिर 4 को 4 iota के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, प्लस प्लस प्लस, 4 × 4 = 16 iota। इसके बाद इसको मैं करता हूं रेज। इसके बाद जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उसको आपने वन बाय वन पहले रियल पार्ट के साथ दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के और फिर इमेजिनरी पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसके साथ भी प्लस का साइन है, इसके साथ भी प्लस प्लस प्लस, 3 × 2 = 6 iota, प्लस प्लस प्लस, 4 × 3 = 12 और iota को iota के साथ मल्टीप्लाई किया तो iota की पावर 2 बन गया, iota स्क्वायर बन गया। किस तरीके से बना, हम पहले बड़े अच्छे तरीके से प्रोडक्ट रूल को डिस्कस कर चुके हैं कि जब प्रोडक्ट रूल में दो बेस सेम हो बट उनकी पावर जो हो वो डिफरेंट हो या सेम हो तो दोनों पावर्स ऐड हो जाती हैं सेम बेस के साथ। जी इनको अब सिंप्लीफाई करते हैं, 8 एज इट इज आ गया क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म इसके अलावा और कोई नहीं है। ये दोनों आयोटा वाली वैल्यूज हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, 16 iota और 6 iota, प्लस का 16 प्लस का 6 प्लस प्लस प्लस, 16 + 6 22 iota, ठीक है, प्लस का साइन प्लस का, 12 iota स्क्वायर। हमने पढ़ा था कि आयोटा जो होता है वो होता है इक्वल्स टू -1 के, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया तो आयोटा स्क्वायर इक्वल्स किसके आ गया, -1 के। तो यहां पे आयोटा स्क्वायर की जगह पे मैं लिख सकता हूं -1, ठीक है जी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और 8 प्लस का 22 iota प्लस माइनस माइनस, 12 × 1 = 12, प्लस का 8 और माइनस का 12, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का माइनस का आ गया, 12 में से 8 माइनस किए 4 और प्लस का 22 iota एज इट इज आ गया। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आया। इसमें समझने वाली बात यह है कि जब आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, पहले जो आपका फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके रियल पार्ट को सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है। सॉल्व करने के बाद आपने जो आयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू लगा देनी है -1 अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, -1 के बाद इसको आपने सिंप्लीफाई करना है तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आंसर में आ जाएगा। जी आज हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम मल्टीप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं। कोडेनिक्स को सब्सक्राइब करें और ऐसे और लेक्चर्स सुनने के लिए
यूट्यूब पर और गूगल पर मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स सर्च करें। अल्लाह ने के बाद।